वहीं सीहोर से इस बीच बड़ी खबर है, पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम में बड़ा हादसा हुआ है। कुबेरेश्वर धाम में भोजनशाला के शेड गिर गई है। इस हादसे में 15 से ज्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम कुबेरेश्वर धाम में बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि आश्रम में बने भोजनशाला की शेड गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 10 से 15 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा होने के चलते कुबेरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ये कुबेरेश्वर धाम की तस्वीर है जहां बड़ा हादसा हो गया। ये शेड जा गिरी और क्योंकि मौका गुरु पूर्णिमा का था तो काफी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर जुटे हुए थे। हालांकि इन सब के बीच कई लोगों के घायल होने की खबर है। भोजनशाला की शेड गिर गई है। अब आखिर कैसे ये अचानक से गिर गई है, क्या इसके पीछे कारण रहे, ये अब आगे पता चल पाएगा। गुरु जी, एक छोटा सा हादसा हुआ कुबेरेश्वर धाम में, कुछ लोग घायल हुए, क्या कहना है आपका? ये तो प्रकृति का आपदा है, सारी चीजें सब अच्छी हैं पर हवा के आगे प्रकृति के आगे किसकी चली है। ये प्रकृति का आपदा तो चलती रहती है, जीवन है मनुष्य का, तो इसके अंतर्गत जो हवा चली है तेज, उसके अंतर्गत थोड़ा टेंट नीचे गिर गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए बुधवार को मतदान हुआ। दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 निकायों के लिए मतदान हुआ। इस बार निकाय चुनाव में पहले चरण से ज्यादा मतदान हुआ। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 72% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान नीमच जिले में हुआ। नीमच जिले में 85% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। तो उधर सिवनी में 84.5%, आगरमालवा में 83.6% मतदान हुआ। इसके अलावा कटनी में सबसे कम 60% मतदान दर्ज किया गया है। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 6 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसके नतीजे